Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start unit 4 of block 4 MPCE 023, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. ये लास्ट यूनिट है इस सिलेबस की भी और इसके बाद हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा. सो फर्स्ट पार्ट में हम कंपेयर जो समझने वाले हैं टॉपिक्स वो है 4.2 एंड 4.3, दैट इज़ द लीडिंग काउंसलिंग रिसर्च अप्रोच एंड सिस्टमैटिक केस स्टडी रिसर्च. ये दो टॉपिक्स हम समझेंगे एंड बाकी के वीडियोज़ में हम बाकी का चैप्टर समझेंगे. सो रिसर्च, सबसे पहला वर्ड रिसर्च. रिसर्च की क्या ज़रूरत है? रिसर्च आपने एक सब्जेक्ट भी पढ़ा है 005 फर्स्ट ईयर में, जिसमें रिसर्च के बारे में आप समझे थे कि रिसर्च क्या होती है. तो अभी हम काउंसलिंग से रिलेटेड रिसर्च के बारे में समझेंगे. रिसर्च का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी को स्टडी करना, न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आना, न्यू नॉलेज डिस्कवर करना एंड उसको पुराने डेटा बेस में एड ऑन करते जाना. एंड जो काउंसलिंग रिसर्च होती है ये दोनों तरीके की होती है. काउंसलिंग एक आर्ट तो है, साथ में ये साइंटिफिक मेथड भी है जहाँ पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर वर्किंग अपॉन. लाइक सपोज अगर आप कोई आपने कोई क्वेश्चनर बनाया है एंड आप वो आप सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपने जिस पर्टिकुलर एज ग्रुप में उसको अप्लाई करना है, जिन पर्टिकुलर लोगों पे आप अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई करेंगे और अपनी फाइंडिंग को आगे रख के प्रूव करेंगे कि ये टेस्ट जो है ये वैलिड है एंड रिलायबल है. तो जब आप इस तरह से साइंटिफिकली करते हैं, कैलकुलेटिव करते हैं, तो वो साइंटिफिक बन जाता है. यानी कि काउंसलिंग रिसर्च एक साइंटिफिक मेथड भी है और आर्ट भी है, क्योंकि आप अपने क्लाइंट्स को समझते हैं, उसको इमोशनली उनको हैंडल करते हैं, उनको उनके जो थॉट प्रोसेस है, उनका बिहेवियर है, उसमें आप ट्रेनिंग देते हैं. और इससे पहले उसके आप बिहेवियर नॉर्मल है कि नहीं है, उसके लिए आप एनालिसिस करते हैं, असेसमेंट टेस्ट्स करते हैं. तो ये दोनों चीज़ें इंक्लूड करता है, एम्पेरिकल भी, साइंटिफिक भी और आर्ट भी. क्योंकि किसी को इमोशनली हैंडल करना, उसको गाइड करना कि कैसे वो आगे एक्ट करे अपने बिहेवियर, अपने इमोशंस पे, वो काउंसलर ही उनको समझाते हैं, है ना, क्लाइंट को. इसीलिए तो जो टूल्स हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं हमारे, जो भी हम यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों में, और कुछ नॉर्म्स को फॉलो करते हुए ही हम इन टूल्स को यूज़ करते हैं. तो जो क्राइटेरिया इमोशनल और मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए हम यूज़ करते हैं वो ऑब्वियसली बुक, जैसे DSM-4 जो हमने पढ़ा, उसमें सारे क्राइटेरिया है कि ये मेंटल हेल्थ के लिए ये वाले पॉइंट होने ज़रूरी हैं. तो उस तरह के बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं, बहुत सारे अलग चीज़ भी होते हैं जिनको आप पढ़ते हैं एंड देन वो वैलिड और रिलायबल जब हो जाते हैं तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने क्लाइंट के ऊपर. सो जो अप्रोच है काउंसलर यूज़ कर रहा है वो एक एक्सप्लोरेटरी अप्रोच होती है और चैलेंजिंग भी होता है एक तरह से. क्यों चैलेंजिंग होता है? क्योंकि किसी इंसान के अंदर बहुत सारे थॉट चल रहे हैं, बिहेवियर चल रहा है, उसकी पर्सनालिटी अलग है, आप उसके ऊपर का उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर काउंसलर को काम करना होता है. तो अगर काउंसलर ट्रेन नहीं है तो नहीं कर पाएगा. सो बेसिकली इस यूनिट में हम क्या समझने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ रिसर्चेस जो आगे आई हैं. तो पहली चीज़ जो है, टॉपिक है जिसको हमें समझना है, वो है द लीडिंग काउंसलिंग रिसर्च अप्रोच, कनेक्शन बिटवीन रीसेंट रिसर्च एंड अर्लियर रिसर्चेस. तो इस ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है तो मैं एकदम ब्रीफ में बताने वाली हूँ इसको. इसमें इन्होंने यही बताया कि प्रीवियसली जो ऑलरेडी हो चुकी है रिसर्चेस और जो अभी की रिसर्चेस हैं उनमें कैसे कनेक्शन है. तो इन्होंने दो, जैसे एक दो एग्जाम्पल मैं बताऊँ, तो इसमें इन्होंने फर्स्ट में बताया 1940 में जो क्लाइंट सेंटर्ड रिसर्च हुई थी और अभी जो हम एक्सपीरियंस ऑफ द क्लाइंट के ऊपर करते हैं जो रहने 1990 में. तो इन दोनों में ही एक ही चीज़ बात कर रहे हैं कि हम क्लाइंट को इम्पोर्टेंस देते हैं, उसके एक्सपीरियंसेस को इम्पोर्टेंस देते हैं. देन यहाँ पे और भी बहुत सारी स्टडीज़ के बारे में बताया हुआ है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो. तो बेसिकली इन्होंने ये किया है, जो पुरानी रिसर्चेज हुई थी और जो नई रिसर्चेज हुई थी उनमें कॉमन चीज़ को पकड़ के इन्होंने बोला है कि इनके बीच में कनेक्शन है, ये काम किया है इस पैराग्राफ में. सो बेसिकली बहुत सारे नाम हैं इसमें, बहुत सारे ईयर्स हैं एंड देन उसके बारे में बताया हुआ है. तो आप जब अगर कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तब आप इसको रीड कर सकते हैं एक बार, तो आपको बहुत सारा डाटा यहाँ से मिल जाएगा. तो इन्होंने यहाँ पे रॉजर्स के बारे में भी बताया, रॉजर्स की जो काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के ऊपर इन्होंने बुक बनाई थी, तो वो अभी की जो स्टडीज़ है हम क्लाइंट्स के ऊपर जिस तरह से काम करते हैं वो, और जो बिहेवियरिज्म के बिहेवियरिज्म, इन दोनों के बीच में कनेक्शन है ऐसा ये कहते हैं.
नेक्स्ट टॉपिक, ये तो अनइम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया क्या बताया हुआ है, बट इट इज़ जस्ट अ थियोरेटिकल थिंग दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स. सिस्टमैटिक केस स्टडी रिसर्च के बारे में बात करेंगे. सिस्टमैटिक केस स्टडी रिसर्च जो है ये बेस्ट तरीका होता है नॉलेज बेस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को ऐड करना सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन दी प्रैक्टिस. सो पहला जो केस स्टडी के बारे में एक टेस्ट है, रिसर्च का वे है, वो है क्वालिटेटिव सिंगल केस स्टडी रिसर्च. नाम से पता चल रहा है क्वालिटेटिव मतलब इसमें क्वालिटी कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, सिंगल केस मतलब एक ही सब्जेक्ट के ऊपर किया जाएगा. और अगेन बाकी तो पता है, इन काउंसलिंग के बारे में है ये. सो क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है इसमें इसका ये किस पे बेस्ड होता है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है क्लाइंट के ऊपर वो डिस्क्रिप्टिव होता है नेचर में, जैसे मैंने बताया बहुत डिटेल्ड होता है सब कुछ. और वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, जब हम क्लाइंट के का सेशन की थेरेपी, हम उसका थेरेपी दे रहे होते हैं, थेरेपी सेशन से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है. और क्लाइंट खुद रिकॉल करके बताता है अपने सेशन के बारे में, क्लाइंट का इंटरव्यू करते हैं या जर्नल राइटिंग्स होती हैं या डायरी होती है क्लाइंट की, ओपन एंडेड क्वेश्चनियर से हम पता लगा सकते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, एंड बाकी मीटिंग के टाइम पे आप ऑब्जर्वेशन जो करते हो इन सारी चीज़ों से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो जब क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में हम बात कर रहे होते हैं. क्लाइंट होता है अकेला एक, तो इसके ऊपर करते हैं. ये जो केस स्टडीज़ होती हैं उनमें केस रिपोर्ट हम बनाते हैं, जो काउंसलर लिखता है या फिर थेरेपिस्ट लिखता है, किस बेसिस पे लिखता है, जो उसने क्लाइंट के ऊपर काम किया है और उसके खुद के क्लाइंट के अपने खुद के एक्सपीरियंस अगर क्लाइंट शेयर करना चाहता है तो हम ये एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं काउंसलर से. काउंसलर एंड क्लाइंट दोनों मिलके भी इस पर कर सकते हैं क्योंकि क्लाइंट का अलग इंटरप्रिटेशन होगा, काउंसलर का अलग इंटरप्रिटेशन होगा. तो काउंसलर एंड क्लाइंट दोनों बैठ के भी ये सब डेटा लिख सकते हैं. तो डिपेंड करता है कि जो एविडेंस है इस रिसर्च के सपोर्ट में वो कौन दे रहा है, क्लाइंट दे रहा है, काउंसलर दे रहा है, या दोनों मिलके दे रहे हैं, क्योंकि दोनों के इंटरप्रिटेशंस अलग अलग होंगे, है ना. क्लाइंट किसी और तरीके से सोचता है एंड काउंसलर किसी और तरीके से सोचता है, दैट इज़ वाई दोनों के इंटरप्रिटेशंस अलग हो सकते हैं. नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे थ्री नेम सेट्स दिए हैं, जैसे कि मैंस एंड थॉर्न. मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग देयर नेम रॉन्ग, बट आप देख सकते हो स्क्रीन पे क्या है. इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने जो किया था स्टडी उसमें इन्होंने क्या किया था, मार्च एंड थॉर्न के बारे में अगर बात करूँ 1988 में इन्होंने काउंसलिंग सेशंस को टेप किया था एंड उन वो जो टेप्ड सेशंस थे उनको रिव्यू किया एंड देन बहुत सारे जब काउंसलिंग ख़त्म हो गई तब इन्होंने बैठ के क्लाइंट के साथ उसको रिव्यू किया, लिखा है सारा का सारा. नेक्स्ट जो ड्रैन एंड यंकुरा है 1992 की बात कर रहे हैं, ड्राइडन एंड यंकुरा, इन्होंने क्या किया था, ये इन्होंने यहाँ पे बताया है कि अगेन अगर इन्होंने भी सेम चीज़ की थी, टेप करके रिकॉर्ड किया था अपने क्लाइंट के साथ इस चीज़ को डिस्कस किया था और जब काउंसलिंग सेशंस ख़त्म हो गए थे नोट डाउन किया था. नाउ येलोमैन एल्किन ने जो केस स्टडीज प्रोड्यूस की थी, अगेन ये तीनों जो नेम सेट्स हैं, मैंडे एंड थॉर्न ने, ड्राइडन एंड यंकुरा एंड येलोमैन एल्किन, इन तीनों नेम सेट्स जो बताए हैं इन तीनों ने क्लाइंट के साथ कोलेबोरेशन में ही काम किया था, बट तरीके अलग थे. जैसे कि इन फर्स्ट ये ड्राइडन एंड फर्स्ट टू जो नेम सेट्स हैं इनके बारे में इन्होंने बताया कि टेप से किया था, और जो येलोमैन एल्किन था उन्होंने डायरीज रखी हुई थी और जो मेमोरीज क्लाइंट अपने बारे में बता रहा था थेरेपी प्रोसेस के टाइम पे उनको, या इनकी खुद की मेमोरीज थी उन सबको इन्होंने किया था. सो देखा जाए तो इस मैथड में जो क्वालिटेटिव सिंगल केस स्टडी रिसर्च है इसमें कोई सिस्टमैटिक मेथड नहीं है इंटरप्रिटेशन का, और डाटा जो रिसर्च से जो भी डाटा मिला है वो ऐसे ही इन्होंने डाल दिया है. इसी का ही एक बेटर तरीका होता है, वो होता है सिस्टमैटिक नरेटिव केस स्टडी, जिसमें जो इन्वेस्टिगेशन हम जब करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि दो मेल क्लाइंट्स थे, उन्होंने अपना सेक्सुअली अब्यूज होने के बारे में एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो ये जो केस रिपोर्ट ड्रॉ की गई थी उसमें एनालिटिक
स्ट्रेटजीज बहुत सारी अप्लाई की गई थी और कैसे कंटेम्प्रेरी क्वालिटेटिव रिसर्च जिस तरह से करते हैं उस तरीके से किया था, मतलब पूरा उनका क्या एज है, क्या पूरा बेस, पूरा चाइल्डहुड कैसा था, वो सारा डिटेल लेने के बाद इन्होंने किया था। जो सेंट्रल मेथडोलॉजिकल इशू आते हैं नरेटिव केस स्टडी रिसर्च में, वो ये आते हैं कि हमेशा अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो रिसर्च कर रहा है रिसर्चर वो तो अपने इंटरप्रिटेशन से लिखेगा सारी चीज़ें केस स्टडी, बट जो क्लाइंट है हो सकता है उसका व्यू अलग हो। तो इस केस इस बारे में इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है स्क्रैम्बर के बारे में। स्क्रैम्बर एक जर्मन जज थे जो पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया के शिकार हो गए थे बाद में, तो इनके ऊपर भी इन्होंने बताया कि इनके ऊपर जो स्टडी की गई थी उसमें भी इंटरप्रिटेशंस में डिफरेंसेस आए थे। सो अलग अलग रिसर्चर्स ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है इनके बारे में। एक रिसर्चर कहते हैं कि इनको चाइल्डहुड अब्यूज़ हुआ था, दैट इज़ वाई ही हैड बिकम दिस काइंड ऐसे। एक और रनियान ने 1981 में स्टडी किया था, वाई डिड वैन गो कट ऑफ हिज ईयर। आपको पता होगा वैन गो जो हैं वो बहुत बड़े आर्टिस्ट रहे हैं, तो इनकी बायोग्राफी जो थी जो वैन गो ने लिखी थी उसके बारे में इन्होंने स्टडी की थी। तो 13 रिसर्चेज हुई है, सो 13 तरीके के अपने अपने लोगों ने इसका इंटरप्रिटेशन दिया है। सो रीजनेबल साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस जो हैं इस इवेंट के वो आए हैं इनकी लाइफ के बारे में। एंड अगेन आप सोचो कोई इंसान अपना कान क्यों कट करेगा, तो उसके ऊपर स्टडी तो बनती है। तो 13 स्टडीज हुई थी इसके ऊपर। अगेन इन्होंने क्वासी जुडिशियल अप्रोच के बारे में भी बात की है, तो 2-3 अप्रोचेज इसी के अंदर आती हैं। क्वालिटेटिव के बारे में बात करें, क्वालिटेटिव सिंगल केस रिसर्च के ऊपर, तो जो रिसर्चर्स हैं वो केस स्टडी करते हैं और क्वासी जुडिशियल अप्रोच को यूज़ करते हुए करते हैं। इन्होंने एग्जांपल दिया है जैसे कि सपोज़ अल्टरनेटिव व्यूज़ पहले लिए जाएंगे रिसर्च टीम से, और एक या फिर एक एडवाइजरी रिसर्च टीम अपॉइंट की जाएगी। तो दो तरीके हैं, या तो अल्टरनेटिव व्यूज़ लिया जाए क्वासी जुडिशियल अप्रोच में, या फिर एक रिसर्च टीम एडवाइजरी जिसका नाम एडवर्सरी जिसका नाम दिया जाएगा वो अपॉइंट की जाएगी। फिर मुर्रे ने डायग्नोस्टिक काउंसिल करके एक टर्म यूज़ किया था जिसमें 5 से लेकर 6 रिसर्चर्स बैठेंगे जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव उस केस के बारे में अपने देंगे। तो बेसिकली है तो सिंगल पर्सन उसकी केस स्टडी है, लेकिन केस स्टडी आप किस तरह से कर रहे हैं उसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि जब आप केस स्टडी करते हैं तो उसको एनालाइज कौन करेगा। तो उसके ऊपर इन्होंने बताया कि क्वासी जुडिशियल अप्रोच यूज़ कर सकते हैं या डायग्नोस्टिक काउंसिल यूज़ कर सकते हैं जिसमें 5-6 रिसर्चर्स होंगे जो एक साथ बैठेंगे एंड देन अपने पर्सपेक्टिव रखेंगे। और जो ये यहाँ पे और भी बताए हुए हैं कि जो मॉडल्स कुछ और भी बनाए हुए थे जिसमें 2 रिसर्च टीम्स बनेंगी जो पैरेलल काम करेंगी, और जब दोनों रिसर्च टीम्स काम कर लेंगी तो एक साथ बैठेंगी रेगुलर इंटरवल पे और अपनी फाइंडिंग्स को कंपेयर करेंगे। देन फील्ड केस स्टडी रिसर्च जो है उसमें भी केस लॉस करके या कोई रूल्स नहीं है इस स्टडी के लिए। सो एक्सप्लेनेशन देना किसी चीज़ का वो कितना वैलिड है वो इस पे डिपेंड करता है कि केस लॉज आपने क्या बनाए हैं, क्या रूल्स बनाए हैं किसी भी केस स्टडी को प्रेजेंट करने के लिए। सो आप जो भी इंटरप्रिटेशन देते हैं डाटा गैदर करने के बाद, तो इसके ऊपर बहुत सारी इंक्वायरी करना बहुत ज़रूरी है। अगेन अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशंस जो अगर आ जाए, डिफरेंट रियलिटी सबकी अपनी अपनी होती है, तो अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन आने से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है कोई भी केस स्टडी। सो इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। अगेन यहाँ पे इन्होंने बताया कि कुछ नरेटिव केस स्टडी रिसर्च के बारे में कुछ अच्छे एग्जांपल्स भी हैं जहाँ पे काउंसलिंग और जो काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी में हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें हमने यही समझा कि एक पर्सन होता है जिसके ऊपर हम केस स्टडी करते हैं। अगेन केस स्टडी में सबके इंटरप्रिटेशन अलग होने की वजह से उसके रिजल्ट अलग अलग आ सकते हैं एंड उनमें वेरिएशन भी हो सकता है। देन टेक्निक क्या होती है रिसर्च करने की वो भी इन्होंने बताया, जैसे क्वासी जुडिशियल
अप्रोच हो गई, डायग्नोस्टिक काउंसिल हो गई, इसके बारे में इन्होंने बात किया. तो ये था इस पैराग्राफ में जो इन्होंने बताया. नाउ कमिंग टू सिंगल केस एक्सपेरिमेंट्स. सिंगल केस एक्सपेरिमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पहले भी आ चुका है, पिंक हाईलाइटेड है. यहाँ पे भी सिंगल सब्जेक्ट ही लेते हैं जो जिसके ऊपर हमें केस स्टडी अप्रोच यूज़ करते हैं, और हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर जब हमने थेरेपी किया तो इस इंडिविजुअल में क्या चेंज आया. सो इस एक्सपेरिमेंट से हम उसके ऊपर थेरेपी करने के बाद भी उसके ऊपर स्टडी करते हैं. सो जो सिंगल केस एक्सपेरिमेंट टर्म है वो हिलियार्ड ने यूज़ किया था सबसे पहली बार. और इन्होंने क्या एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंट प्रिंसिपल जो है, जिसे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं, उस लॉजिक को इन्होंने यूज़ किया है. तो इन्होंने क्या किया है, इस स्टडी में हम करते क्या हैं, हम जैसे एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यूज़ करते हैं अभी, या बिहेवियरल असेसमेंट को यूज़ करते हैं अलग अलग ओकेशंस में. कौन कौन से अलग अलग ओकेशन? मिनिमम जो ओकेशंस हैं वो तीन ओकेशंस हैं. एक है बिफोर टेकिंग दी थेरेपी, ड्यूरिंग दी थेरेपी एंड आफ्टर दी थेरेपी. सो जो बिफोर टेकिंग दी थेरेपी जो हम असेसमेंट करते हैं अपने क्लाइंट के ऊपर, उसको प्री ट्रीटमेंट असेसमेंट कहते हैं, और वो बेसलाइन माना जाता है, बेसलाइन मेजर माना जाता है. सो जो भी सपोज आपको अपने क्लाइंट में कोई बिहेवियर चेंज करना है, तो आप उसके ऊपर थेरेपी करने से पहले उसका बेसलाइन मेजर लेंगे, जिसे हम प्री ट्रीटमेंट असेसमेंट कहते हैं, वो लेंगे. एंड देन जब ऑनगोइंग चल रहा होगा, ट्रीटमेंट चल रहा होगा, उस टाइम पे भी आप एक और असेसमेंट लेंगे जो ऑनगोइंग असेसमेंट माना जाएगा. जो किस तरह का इंटरवेंशन हुआ है उसका इफ़ेक्ट क्या है, आपने जो ट्रीटमेंट दिया उसका इफ़ेक्ट क्या है, वो इसमें पता चल जाएगा. देन तीसरी बार आप टेस्ट जो लेंगे वो पोस्ट थेरेपी या फॉलो अप असेसमेंट होगा, जो आप ये चेक करने के लिए होगा कि कितना स्टेबल रहा, कितना परमानेंट था जो चेंज आया था उसके बिहेवियर में. सो क्योंकि इसमें हमने टाइम के साथ साथ असेसमेंट लिया है, एक थेरेपी से पहले, एक थेरेपी के टाइम और एक थेरेपी के बाद, तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड टाइम सीरीज एनालिसिस. और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको ए बी टाइम सीरीज कहते हैं. ए जो होता है वो प्री ट्रीटमेंट बेसलाइन होता है, और बी जो होता है वो ट्रीटमेंट पीरियड होता है. एग्जाम्पल इन्होंने ए बी टाइम सीरीज़ का भी दिया है, जो वेन हॉन्सकन ने 1992 में रिपोर्ट किया था. इन्होंने बताया कि एक ईटिंग डिसऑर्डर की पेशेंट थी जो 35 ईयर्स ओल्ड थी, जो खाने के बाद वॉमिटिंग कर देती थी. तो उसका अगर पास निकाल के जब इन्होंने देखा तो इनको पता चला कि ये बहुत ओबेस हुआ करती थी, मतलब ओवरवेट से भी ज़्यादा वेट होता था. एंड इसीलिए इसकी दो सर्जरीज की गई, इसके एब्डोमेन एंड स्टमक से फैट निकालने के लिए. जब इसका ऑपरेशन हो गया तो इसका वेट काफ़ी ड्रॉप हो गया ऑपरेशन के बाद, ऑब्वियस था. बट इसकी जो हैबिट थी बिंज ईटिंग की, जिसकी वजह से ये ओबेस हुई थी, वो इसकी कंटिन्यू थी. ये पैटर्न बिंज ईटिंग का, बिंज ईटिंग मतलब रैंडमली कुछ भी खाते रहना, सारे टाइम खाते ही रहना. सो इस बिंज ईटिंग को जब कंटिन्यू रही, तो अब लेकिन ये इसने एक और हैबिट डाल ली अपना वेट को मेंटेन करने के लिए, कि ये वॉमिट कर देती थी, जितनी बार खाती थी उतनी बार वॉमिट करती थी. जैसे जैसे टाइम निकलता गया, पहले तो वॉलंटरीली करती थी, मतलब जानबूझ के वॉमिटिंग करती थी, टाइम के साथ साथ ऐसा हो गया कि ये इनवॉलंटरीली भी रेस्पॉन्स करने लगी. जैसे ही वो कुछ खाती थी उसको बिना उसके जाने ही उसको वॉमिटिंग होना शुरू हो गया. तो उसका अब अपनी वॉमिटिंग पे कोई कंट्रोल नहीं रहा. जब इसने ट्रीटमेंट के लिए ये रेडी हो गई, तब ये सेल्फ मॉनिटर बिहेवियर हमने इसको 3 वीक्स के लिए जो थेरेपिस्ट हैं उन्होंने दिया. ये पूरी स्टडी है, मतलब ये ऑलरेडी रियल लाइफ में किसी क्लाइंट के ऊपर किया गया था. तो क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट किया गया कि उसको है ना 3 हफ्ते तक अपने बिहेवियर को नोटिस करना है, और उसको लिखना है कि उसने क्या खाया, कितनी बार खाने के बाद वॉमिटिंग किया है, और कब कब वॉमिटिंग किया है, खाने के बाद किया है, खाने खाते टाइम किया है, कैसे कैसे. इस बेसलाइन इन्फॉर्मेशन, ये बेसलाइन इन्फॉर्मेशन हो गई अपने पास, मतलब असेसमेंट जो फर्स्ट असेसमेंट हुआ था, प्री ट्रीटमेंट असेसमेंट. देन बेसलाइन इन्फॉर्मेशन के बाद बिहेवियरल प्रोग्राम बनाया गया कि इसको कैसे ठीक किया जाएगा, जिसमें उसको रिकॉर्ड लिखना था कि ईटिंग बिहेवियर उसका कैसा है, उसको नोटिस करना है, और फिजिकल एक्टिविटी शेड्यूल उसका बनाया गया, उसको रेगुलर वेटिंग की गई उसकी, एंड उसको बहुत सारा पेसिंग की एंड रिलैक्सेशन टेक्निक खाते टाइम क्या अप्लाई करनी है वो सिखाया गया, एंड उसको रिपोर्ट करना है वीकली थेरेपिस्ट के पास सेशन में कि क्या चेंजेस आए.
इन्होंने ये भी बताया कि जब ऐसा किया गया तो इसमें इन्होंने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही इन्फॉर्मेशन नोट डाउन की सो दैट ये रिज़ल्ट कुछ मीनिंगफुल निकल सके, क्योंकि क्वालिटेटिव से तो आपको बहुत डाटा मिलता है लेकिन क्वांटिटेटिव से आपको मैथमेटिकल डाटा मिलता है, तो इसीलिए इन्होंने वो पेपर वर्क भी किया। टाइम के साथ उन्होंने ये नोटिस किया कि इन बिटवीन जब 13 से 17 वीक के टाइम पे जब थेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं थे, थेरेपी सेशन नहीं दे पाए, उस टाइम पे ये वॉमिटिंग फिर से इंक्रीज़ हो गई क्लाइंट की। एंड जैसे ही थेरेपी सेशन दोबारा शुरू किया तो सडन इम्प्रूवमेंट हो गया 3 वीक में फिर से, जब उसको फिर से बिहेवियरल प्रोग्राम एडजस्ट किया गया। सो ये प्रूव करता है कि थेरेपी से इफ़ेक्ट पड़ता है एंड हम किस तरह से किसी क्लाइंट के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। कॉग्निटिव इंटरवेंशन जो के बारे में भी इन्होंने एक स्टडी की है जिसमें ओलंपिक आर्चर के बारे में बात की है जिसको परफॉर्मेंस रिलेटेड एंजाइटी थी, तो इसमें इन्होंने ग्राफ बनाया एक्चुअल टूर्नामेंट का कि क्लाइंट का के जो स्कोर्स थे जो उसने टूर्नामेंट के टाइम पे एक्चुअल टूर्नामेंट के टाइम पे अचीव किए थे, क्लाइंट के बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट उसका किस तरह से एंजाइटी का लेवल रहा है। तो ये जो डाटा था वो हाईली कन्विंसिंग था कि कितना थेरेपिटिक टेक्निक से इम्प्रूवमेंट शो करता है क्लाइंट। एक इन्होंने एक और किया आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन, EMD होना था, यहाँ पे ओ लिख दिया इन्होंने, प्रिंटिंग मिस्टेक है। PTSD पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की कहानी के बारे में भी बताया इन्होंने मैककैन का 1992 में। ये जो क्लाइंट था ये 8 साल पहले अपने वर्क के दौरान इसको बर्न इंजरीज हो गई थी और जिसकी वजह से ये डिसेबल हो गया था। अब ये जब कंप्लेंट करता है अपने क्लाइंट काउंसलर के पास, ये क्लाइंट, कि वो डेली इस ट्रॉमा को जीता है, इसको रोज़ ऐसा फील होता है जैसे उसको जलाया जा रहा है, वो जल रहा है, उसको रात में गंदे सपने आते हैं, उसको फ्लैशबैक होता है, मतलब रिकॉल होता है अचानक से, इंसोम्निया होता है और वो घबरा जाता है, अजीब सा रेस्पॉन्ड करता है, अवॉइड करता है, अवॉइडेंस बिहेवियर भी इसके में दिखाई दे रहा है कि ये लोगों से मिलना नहीं है, अंदर छुप के रहना है, डरना है, इस तरह का। तो सेशन के टाइम पे आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन क्लाइंट के ऊपर अप्लाई किया गया जिससे उसकी मेमोरीज से ये चीज़ को, ये जितनी भी मेमोरीज थी, इमेजेस थी, उसको हम निकालने में, जो हम मतलब काउंसलर निकालने में सक्सेसफुल हुआ। 1 ईयर के बाद जब वो क्लाइंट PTSD का वापस आता है तो उसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। सो ये प्रूव करता है कि थेरेपी से क्या इफ़ेक्ट हुआ और कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं सेशंस को। तो ये एक एक्सपेरिमेंट का, सिंगल केस एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल्स थे 2-3 जो मैंने आपको बताया। सो स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट अगर एब्सेंट होते हैं तो EMD जो है उसको इवेल्युएट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसकी इफेक्टिवनेस को। इन्होंने एक और टेक्निक बताई है सिंगल सेल सिंगल केस एक्सपेरिमेंट में, ABAB टेक्निक। इसमें इन्होंने क्या किया है, पहले एक बेसलाइन पीरियड है जब थेरेपी शुरू होने से पहले का, जब हम उसका असेसमेंट करते हैं, देन उसको इंटरवेंशन देते हैं, मतलब थेरेपी देते हैं, एंड देन अगेन थेरेपी बंद कर देते हैं, वो सेकंड बेसलाइन पीरियड हो जाता है, एंड देन लास्ट होता है फिर से जब हम थेरेपी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ये ABAB टेक्निक थी। एक है रेंडमाइज्ड AB डिज़ाइन। इसमें हम क्या करते हैं, इंटरवेंशन जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे लगाते हैं, कभी किसी सेशन में लगाते हैं, कभी किसी सेशन में हम इंटरप्रिटेशन नहीं देते हैं, और ये तो मालूम है बेसलाइन है पहले से करना। देन मल्टीपल बेसलाइन स्टडी भी होती है जो इन्होंने ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं है। अगेन ये जो इंटरवेंशंस हैं इनका इम्पैक्ट कैसा होता है वो हम इस तरह से ट्रेस कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू सिंगल केस क्वान्टिटेटिव स्टडीज़। अगेन सिंगल केस क्वांटिटेटिव स्टडीज़ में इसका हमारा यही एम है कि हम टाइम बहुत सारे वेरिएबल के टाइम के साथ वेरिएबल्स का के बारे में हमें पता लग सके। तो पहले जैसे हमने सिंगल केस एक्सपेरिमेंट में किया था वो सब हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ मैनिपुलेशंस नहीं करने हैं। तो इन्होंने इसका एक एग्जांपल दिया है हिल एटेल ने, स्टडी ऑफ प्रोसेस एंड आउटकम इन अ क्लाइंट हु रिसीव्स 12 सेशंस ऑफ टाइम लिमिटेड इनसाइट ओरिएंटेड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। जो 12 सेशंस हमने एक क्लाइंट को दिए जो टाइम लिमिटेड थे, मतलब 45 मिनट 50 मिनट इस तरह से, और इनसाइट ओरिएंटेड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग थी। सो उसको अपने एक्टिविटी को समझना था।
तो आउटकम फिर हम असेस करते हैं स्टैंडर्डाइज मेजर से कि क्या आउटकम मिला जब ऐसा किया। तो क्लाइंट और उसका जो सिग्निफिकेंट अदर, मतलब उसकी मदर है इस केस में, क्लाइंट और उसकी मदर है, उन्हें बोला कि आप समरी लिखो कि आपने काउंसलिंग सेशंस में आपके परसेप्शन क्या क्या थे, किस बारे में परसेप्शन, मतलब उन्होंने क्या क्या समझा काउंसलिंग सेशन में। तो प्रोसेस में हमने उन उनसे रेटिंग ली काउंसलर के बारे में, क्लाइंट काउंसलर क्लाइंट वर्बल रेस्पॉन्स मोड्स, किस तरह से आपस में वर्बल रेस्पॉन्स हुआ था उसके बारे में रेटिंग ली। देन एंगजाइटी जो एज एक्सप्रेस्ड इन क्लाइंट एंड काउंसलर स्पीच पैटर्न, इन सब के ऊपर भी हमने इनसे समरी ली। देन एक्टिविटी लेवल, नंबर ऑफ स्पीच एक्ट्स जो ऑफ बोथ पार्टिसिपेंट्स, किस एक्टिविटी लेवल्स दोनों पार्टिसिपेंट्स के क्या थे, उसके ऊपर भी हमने उनका परसेप्शन के बारे में बात की। काउंसलर का इंटेंशंस के बारे में, काउंसलर एंड क्लाइंट परसेप्शंस ऑफ सेशन इफेक्टिवनेस एंड सिग्निफिकेंट इवेंट्स, इन सब के बारे में पूरा लिया लिया गया। तो ये वाला जो सेक्शन है सिंगल केस क्वांटिटेटिव स्टडीज, इसमें सिर्फ थेरेपी होने के बाद ही हम क्लाइंट से पूछताछ करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। नाउ कंबाइंड क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, एंड देन हम यहाँ पे इन्होंने क्या क्या पता चलता है इससे, बेस्ट वर्सेस वर्स्ट सेशंस कंपेयर किए गए फिर इससे। नाउ कमिंग टू कंबाइंड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव केस स्टडीज, इसमें इन दोनों टेक्निक्स को हम एक साथ इकट्ठा करते हैं एंड फिर एक ही स्टडी के ऊपर, मतलब एक ही केस के ऊपर हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों ही चीज़ें अप्लाई करते हैं। ये इसके जो ओरिजिनेटर हैं, मतलब इस अप्रोच को जो जिन्होंने स्टार्ट किया था वो हेनरी मुर्रे हैं, केस स्टडी मेथोडोलॉजी के। ये केस स्टडी मेथोडोलॉजी ही है लेकिन ये इसकी सब कैटेगरी है, फोर्थ कैटेगरी है। तो इसमें की रिसर्चर्स जो हैं वो वर्क करते हैं केस के ऊपर, और एक डायग्नोस्टिक काउंसिल बनाया जाता है जो टाइम पे मीट करती हैं सो दैट एक फॉर्मुलेट कर सके इस केस के बारे में। मगर एक बात और भी है यहाँ पे, है ना, एक तो पहली बात सारे रिसर्चर्स को इकट्ठा करना और उनसे ये पूछना कि वो इस पर्टिकुलर केस के बारे में इंटरेस्टेड है। अगर रिसर्चर्स सपोज कोलैबोरेट हो भी जाते हैं तो अगेन जिस सब्जेक्ट पे आप स्टडी करना चाहते हैं क्या वो अपना इतने सारे घंटे देगा आपको स्टडी करने के लिए। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो क्वालिटेटिव रिसर्च में ये प्रॉब्लम आती है। अब इसमें हमारे क्या इसमें हमने क्या देखा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव था, दैट मीन्स हम एक ही सब्जेक्ट के ऊपर क्वालिटेटिव कैसे कर रहे हैं कि एक ही सब्जेक्ट है, क्वांटिटेटिव कैसे कर रहे हैं बहुत सारे रिसर्चर हैं, तो इसमें रिसर्चर्स ज़्यादा हैं लेकिन सब्जेक्ट एक है। तो क्वांटिटी कहाँ से मिलेगी, बहुत सारे रिसर्चर से मिलेगी, और क्वालिटी कहाँ से मिलेगी, हर एक रिसर्चर की जो स्टडी है उससे मिलेगी, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव हर्मेन्यूटिक सिंगल केस एफिकेसी स्टडीज। सो ये है आज का लास्ट टॉपिक जो हम समझेंगे। सो इसमें इन्होंने बैरेट एंड एलियट के एंड पार्टिका एटेल, इन तीनों की मेथोडोलॉजी है ये, जिसका एम ये है कि ये जो केस स्टडी है ये इन्वेस्टिगेट करेगी थेरेपी का इफ़ेक्टिवनेस थ्रू एनालिसिस ऑफ सीरीज ऑफ केस स्टडीज़, कि हम बहुत सारी जो केस स्टडीज़ हैं उनकी हम एनालिसिस करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि किसी भी थेरेपी का कितना इफ़ेक्टिवनेस है। सो इसमें बोहर्ट एंड एलियट ने 2000 से लेकर 2002 के बीच में जो स्टडी की थी उन्होंने बोला था एक रिसर्च टीम रिकमेंड की जानी चाहिए, मतलब एक रिसर्च टीम को यूज़ करेंगे और उसमें क्या करेंगे, पूरा डाटा सेट जो इकट्ठा होगा उसमें जो टीम के मेंबर्स हैं वो उस डाटा को एनालाइज करेंगे रीजनेबल क्राइटेरिया, प्लॉसिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब रीजनेबल क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया सेट करेंगे जिसके बेसिस पे वो उस पूरे डाटा को टीम मेंबर्स एनालाइज करेंगे। और टीम किसकी है, रिसर्चर्स की टीम है, रिसर्च टीम बनाई गई है। तो ये जो क्राइटेरिया है ये कुछ केस लॉज सेट करेगी, और वो केस लॉज कैसे बनेंगे, जब ये सारे के सारे बैठेंगे तो जितने भी एविडेंसेस होंगे उनका इंटरप्रिटेशन लिया जाएगा और फिर कुछ रूल्स के ऊपर ये एग्री होंगे एंड उसके बेसिस पे ये केस लॉ सेट करेंगे। सो
एक ग्रुप जो होगा इसमें बताया हुआ है कि एक ग्रुप होगा वो इसके सपोर्ट में, जो आपकी स्टडी है उसके सपोर्ट में एविडेंसेस कलेक्ट करेगी, एंड दूसरी जो टीम होगी वो इसके अगेंस्ट अपने एविडेंसेस कलेक्ट करेगी। सो इस तरह से, जैसे कि सपोज़ हम किसी थेरेपी के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं, अगर हम किसी थेरेपी के ऊपर स्टडी करना चाहते हैं तो एक एक टीम ऐसी होगी जो थेरेपी के फेवर में अपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, और जो दूसरी टीम होगी वो इसके इस थेरेपी के अगेंस्ट में अपने आर्ग्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे, एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, एंड देन दोनों के बीच में डिस्कशन होगा, एंड डिस्कशन होने के बाद देखेंगे कि किसका ज़्यादा सेंसिबल है, प्लॉसिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमने सेट किया था उसको वो कौन सेट कर पा रहा है, कौन सी टीम सेट कर पा रही है। ये अप्रोच जो है वो हेनरी मुर्रे ने डेवलप की थी। मेथोडोलॉजी इज सिमिलर बोथ टू द दिस जो इसे बनाया था, जो अप्रोच हमने आगे प्रीवियसली पढ़ी है मुर्रे की, उससे बहुत सिमिलर है ये भी। सो अगेन, अगर आप देखें तो कोई भी एक्सपेरिमेंट जो होता है वो अगर आप एक केस के ऊपर करते हैं तो वो अगेन कंक्लूसिव नहीं होता कभी भी, क्योंकि एक रिसर्चर अपने पर्सपेक्टिव को शो करता है वहाँ पे, लेकिन अगेन उसके अगेंस्ट कभी भी कोई और भी स्टडी करके कुछ और नई थ्योरी ला सकता है। तो कोई भी एक सिंगल एक्सपेरिमेंट या सर्वे जो होता है वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं देता किसी भी चीज़ के बारे में। ये तभी पॉसिबल है अगर आपको कोई भी स्टडी तभी तभी सक्सेसफुल होती है जब बहुत सारे लोग उस स्टडी के फेवर में अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, एंड सबकी सिमिलर स्टडी होती है। सो कभी कभी ऐसा भी होता है, एक इन्होंने बताया, एक लॉजिक बताया है कि जैसे कि हमें मालूम है लॉजिकली कि ऑल क्रोज आर ब्लैक, लेकिन ये रिफ्यूट हो जाएगी जब एक कोई ये बोल देगा या उसने एक वाइट क्रो दिखा दिया हमें, तो ये जो ऑल क्रोज आर ब्लैक है ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। मतलब सिर्फ हमें एक ही रिफ्यूट की ज़रूरत होती है जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं। नाउ केस स्टडी रिसर्च जो है इसका, जो अगर डिटेल्ड अकाउंट इंडिविजुअल केसेस का हमारे पास होता है तो ये प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि प्रैक्टिशनर्स पहली चीज़ क्या करेंगे, ये रिसर्च लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन करते ही करते हैं। सेकेंडली, आगे किसी क्लाइंट के ऊपर वो इंटरवेंशंस यूज़ की जा सकती हैं। हमारा अब आप टॉपिक अगर कंसीडर करें तो हमारा टॉपिक यही था कि काउंसलिंग साइकोलॉजी में रिसर्च का बेनिफिट्स क्या क्या है और कोई किस किस तरह की रिसर्चेस चलती हैं। तो रिसर्चेस हम करते इसलिए क्योंकि नॉलेज बेस में एड ऑन किया जा सके। इसीलिए इन्होंने ये पूरी पूरी टेक्निक्स दी थी कि कौन कौन सी रिसर्चेस की जा सकती हैं, एंड इनके क्या क्या इश्यूज़ आते हैं एंड क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर कोई भी रिसर्च सक्सेसफुल होती है तो ये ऐड हो जाती है नॉलेज बेस में, एंड देन प्रैक्टिशनर्स उसको यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं अपने पेशेंट्स के ऊपर, एंड रिसर्च लिटरेचर में भी कंट्रीब्यूशन देती है। लेकिन अगर इसमें इश्यूज़ की बात करें तो इश्यूज़ तो हैं ही। पहली बात, अगर हम डेटा बहुत सारा इकट्ठा कर लें या फिर हम ऐसी चीज़ पे स्टडी करें जो ऑलरेडी हुआ हुआ है एंड उसमें कुछ नया नहीं है, तो ये इश्यूज़ की बात होती है। सेकेंडली, कोई भी स्टडी कभी भी फेल हो जाती है जब आप उसके अगेंस्ट कोई एक सिंगल प्रूफ भी दे देते हैं, एविडेंस दे देते हैं, तो इतने सालों की मेहनत बेकार हो जाती है, इतनी सारे डाटा की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। और हम सर्वे किस तरह से करते हैं और किस तरह से हम टीम जॉब करते हैं वो ही इसमें समझाया गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। सेल्फ रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। इस वीडियो से आप थोड़ा सा बेसलाइन ले सकते हैं, एंड देन आप अपने आप सेल्फ रीडिंग ज़रूर करें तो आपको और क्लियर हो जाएगा जो मैंने वीडियो में समझाया है। सो आई होप ये बेनिफिशियल रहे आपको ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।